बाहर आती है यहाँ अंदर आए। चीज करने आओ इसे। औरत होकर मर्दों से मुकाबला कर दिया। ठीक है सर, निकल जाए तो उसकी बाहर। स्वाति, ये सब क्या है बेटी? फिर आज क्या कर दिया तूने? दरवाजा पे ये भीड़ अच्छी लगती है तुझे? कोई दिन खाली नहीं जाने देती, रोज दरवाजे पे कोई ना कोई मुसीबत ले ही आती है। कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि लावारिस औरतों की तरह जीना सीख। दुनिया की जुबान का क्या है, वो तो हवा की तरह चलती ही रहेगी। तेरे लिए क्षमा मांगते मांगते हाथ जोड़ जोड़ कर तो मेरे हाथ दुख गए। हटो हटो, क्या चल रहा है? ये सब क्या है? क्या हंगामा मचा रखा आप लोग? हाँ साहब, आप भी हम ही पर डंडे बरसाने लगे। ये देखिए, ढेला मारकर सर फोड़ दिया उस बदमाश छोकरी ने। दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब, इस बार इन भाई लोगों से माफी दिलवा दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। अजी माफी कैसी, हथकड़ी पहनाइए इसे। क्या तुमने इसे पत्थर मारा था? हाँ, पहले इसने मारा था। झूठी है साहब, चोट है तो दिखा। मैंने इसे पत्थर मारा था सर, तो चोट दिखाई दे रही है। इसने मुझे गाली दी थी। शब्दों की चोट तो आत्मा को लगती है सर, और मैं आपको अपनी लहूलहान आत्मा कैसे दिखाऊं? इसने क्या कहा था? अब बताती क्यों नहीं, बता। इसने मुझे छिनाल की औलाद कहा था। छिनाल की औलाद को छिनाल न कहूं तो और क्या कहूं? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? सुन लिया आपने, क्या गुस्सा करना सिर्फ मर्दों की बपौती है? हो सकता है इन सब की माए पतिव्रता हो, सती सावित्रिया हो। मैं तो एक आदमी की वासना की कय हूँ, लेकिन कोई उस आदमी को कुछ नहीं कहता जिसने मेरी देवी समान माँ को धोखा दिया। ये जलील मर्दाना समाज कमीने मर्दों को कुछ नहीं कहता और बेसहारा औरतों पर पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। और पागल कुत्तों को पत्थर मारना कोई जुर्म नहीं, और अगर ये जुर्म है तो मुझे पकड़ लीजिए। तुमने इस लड़की के साथ बदतमीजी की थी? अरे साहब, ऐसी लड़की के साथ जैसी बात करनी चाहिए थी वैसी की, तो क्या ये मारेगी? मारेगी नहीं, दफन कर देगी तुझे। पकड़ो इसे। जब ही तो मैं तुम्हें नहीं बताती थी। मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तेरे लिए रो रही हूँ बेटी। मेरे जीवन के कांटे तुझे चुभ रहे हैं ना? औरत जन्मी हो, औरत की तरह जीना सीखो बेटी। तुमने औरत की तरह जीकर देख लिया है ना माँ? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं भी वही जिंदगी दोहराऊं जो तुम जी चुकी हो? जिस तरह लोग तुम्हें बिन ब्याही माँ होने पर बातों का डंक मारते रहते हैं, उसी तरह उस बिन ब्याही बाप को भी तो पकड़े। माँ, चलो माँ, मुझे भूख लग रही है। हाय लक्ष्मी। हाय, आज तुम बस स्टॉप तक अकेली कैसे निकल पड़ी? तुम्हारे वो कहाँ रह गए? आज वो खाना पका रहे हैं। हाय बेचारे। इसमें बेचारे होने की क्या बात है? साल भर क्या मैं ही खाना पकाऊं? एक महीने वो पकाते हैं तो दूसरे महीने मैं। ओ मेन साहब, धक्कम धक्कम में हाथ लग गया तो अपुन क्या करेगा? लेकिन मेरा हाथ धक्कम धक्के में नहीं लगा था। बास्टर्ड, समझता क्या है अपने आप को? हाँ चल चल छोड़ी, छोड़ी से।
गुंडों के मुंह लगा करते। तुम नहीं समझती लक्ष्मी, ये तो लातों के भूत हैं। एक बार जूता खा लेंगे ना तो फिर अपनी पत्नियों को हाथ लगाने से पहले भी दो बार सोचेंगे। चल। बाप रे, कॉमरेड, इस लड़की का नाम कुमारी तोड़फोड़ होना चाहिए। क्यों? तोप है। स्वाति, मैं स्वाति। क्या हुआ सर? ये तुमने क्या टाइप किया है? मैनुअल देखकर भी इतनी बड़ी गलती की? क्या गलती हुई सर? मैनेज टाइप करने के बजाय तुमने वुमनेज टाइप किया। मैनकाइंड की जगह वुमनकाइंड टाइप किया। मैंने कोई गलती नहीं की सर, जानबूझकर मैंने ऐसा टाइप किया। मेरी समझ में नहीं आता सर, ये कैसी अंग्रेजी है? इस भाषा में औरतों के लिए इज्जत का कोई स्थान ही नहीं। लोग मैन आर्स कहते हैं, क्या वुमन आर्स नहीं होते? मैन पावर कहा जाता है, क्या वुमन पावर नहीं है? और जब मैन काइंड हो सकता है तो वुमन काइंड क्यों नहीं हो सकता सर? तुम कहना क्या चाहती हो? मैनुअल की भाषा बदल देना चाहती हो? सबसे पहले तो मैं आपके मैनुअल का टाइटल बदल देना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये सर कि मैं मैनुअल को वो मैनुअल का नाम देना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, क्या लड़की है। भला गुरु से भी कोई ऐसे बात करता है? गुरु तो भगवान होते हैं। अरे भगवान भी तो मर्द है। उम्र है आपकी? जी उम्र 24। और इन 24 बरसों में कभी किसी लड़की के हाथों थप्पड़ खाने का अनुभव हुआ है आपको? नहीं तो। ओ, तो इसी हिम्मत से आपने ये चिट्ठी लिखकर मुझे भेजी थी? नहीं नहीं, ये बात नहीं। दरअसल आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं कई दिनों से आपको देखता रहा हूँ। लेकिन मैंने तो नहीं देखा आपको। जी आप नहीं, मैं देख रहा था। कैसे? छुप छुपा के देख रहे थे मुझे? I'm sorry. अच्छा, तो आप उन बुजदिलों में से हैं जो हर काम छुप छुपा के करते हैं। जी क्या कह रही हैं आप? मतलब ये कि एक बहादुर इंसान कोई भी काम छुप छुपा के नहीं करता, बल्कि ओपनली करता है। मगर स्वाति जी, हमारे दल के लिए सीक्रेसी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा दल है आपका? कम्युनिज्म। ओह, तो आप उन क्रांतिकारी लोगों में से हैं जो शहर की साफ सुथरी दीवारों पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे पोता करते हैं। जी हाँ, और आप जैसी निडर और बहादुर युवक हमारे इस दल में शामिल हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस देश में राम राज्य ले आएंगे। वेरी सरप्राइजिंग, एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी होकर राम को मानते हैं आप? हाँ, वो इसलिए कि राम दुष्ट का नाश करता है और शिष्ट की रक्षा। वैसे मेरा नाम राम मोहन है। ये राम नाम मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक अनाड़ी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को ही निकाल बाहर कर दे। अगर राम राजा आ जाए ना मिस्टर, तो सारे पति शहरों में होंगे और सारी पत्नियां वनवास में। मुझे आपका राम राज्य नहीं, सीता राज्य चाहिए। सॉरी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी? जनाब, आपको तो खुद पता नहीं कि आप मुंह उठाए बलबलाते हुए किस दिशा में जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं आपके दल में शामिल हो जाऊं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस देश माता की सेवा करें। मैं किसी देश माता को नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उन्हीं की सेवा करूंगी। देश माता की सेवा आप ही कीजिए। वेट्रेस, साहब का ऑर्डर ले लो। यस सर। एक ग्लास ठंडा पानी ले आना। मुझे तो लगता है तुम उसका नाम कॉमरेड आशिक कुमार रख लो। क्या? और नहीं तो क्या, तुम कोई अच्छा सा नाम रख लो अपने दीवाने का। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो तुम पर फ्लैट है। छे, अरे मर्द क्या जाने प्यार होता क्या है। वो तो सिर्फ अपनी जरूरत का मेकअप करके उसे प्यार मान लेते हैं, वरना पति बनकर सूरत पर सवार रहने या बच्चा बनकर पैरों में रेंगने के सिवा उन्हें आता क्या है। ए, ये बात करते हुए तुम मेरे मनोहर श्याम जी को भूल गई क्या? वो भी तो पति हैं।
अरे उंगली कट गई क्या? लक्ष्मी का हाथ कट गया? ओ लक्ष्मी, ओ ओ माय गॉड, खून। स्वाति तुम एक काम करो, तुम इस घाव को कस के पकड़ बैठ जाओ, मैं लबक की रिक्शा ले आता हूँ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं जीजा जी, जरा से कट के लिए अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, मैं ही ड्रेसिंग करके पट्टी बांध देती हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सारा खून बह चुका है, हो सकता है कि खून चढ़ाना पड़े। चलो भाई चलो। अरे मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि स्वाति के फ्यूचर की फिक्र मत करो, शी इज अ ब्राइट गर्ल, शी लुक आफ्टर हरसेल्फ। उसके भविष्य के चांद में मेरा अतीत एक ग्रहण की तरह लगा हुआ है डॉक्टर साहब। अरे नहीं भाई, अंकल, मैं अंकल गजब हो गया, चाकू चल गया अंकल, खून का दरिया बह रहा है, मनोहर शाम की जिंदगी का दिया भड़क रहा है अंकल। लेकिन हुआ क्या डॉक्टर साहब, आपको जल्दी से कुछ करना होगा। देखिए हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक सा है, बहुत सा खून बह चुका है, एक दो बॉटल खून मेरा निकाल लीजिए, चलेगा? अजी मैं तो कहते कहते थक गया, ये सब्जी जरा संभाल के काटा करें, कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। हाँ तो ये चाकू चला और ये खून का दरिया बहा। अच्छा अच्छा अंकल, अगर आपने इसे बहुत सीरियस घाव नहीं माना ना, तो सर्वश्री मनोहर श्याम जोशी बेचारे शौक से बेहोश हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मनोहर जी की उंगली काटकर लक्ष्मी के हाथ पर ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, क्यों मम्मी? देखिए ये तो मजाक कर रही है डॉक्टर साहब, सीरियस बात तो इसकी समझ में नहीं आती, मेरे ख्याल में एक एक्सरे भी निकाल लेना चाहिए। हाँ, शारदा इन्हें ले जाओ और ड्रेसिंग वेसिंग कर दो। चलो चाहिए चाहिए चाहिए, चलो आओ। ओए दर्द तो नहीं हुआ ना लक्ष्मी? इसे पकड़ो। सेप्टिक तो नहीं होगा ना? घबराइए नहीं मनोहर जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अंकल, आनंदी ने कोई नई पहेली बुझाई? अरे क्या बताऊं, कल से एक पहेली बुझने की कोशिश में हूँ। सुनो, च्याऊ म्याऊ करती है, कमरा कमरा घूमती है बिल्ली। बिल्ली? हाँ बिल्ली। याहू, यस दैट्स इट, कम ऑन, यस। ओ नो, चलो सिक्स प्लीज, सिक्स सिक्स, यस इट्स अ सिक्स, कम ऑन कपिल देव, यू आर ग्रेट, यस आनंदी, कम ऑन, यस। हे बेबी, हे माय बेबी, हजार बार कहा है डैडी जब आप घर देर से लौटे तो जोर से मत बोला कीजिए। अब आप मम्मी की डांट खाइए। अरे भाई डांटेगी कैसे, ये चमेली के फूल जलाए रिश्वत के लिए, बस सूंघते ही ठंडी हो जाएंगी। तब आप मम्मी को जानते नहीं डैडी, उनका मूड आए तो इस बात पर भी खफा हो सकती हैं कि चाय गर्म क्यों है, शरबत ठंडा क्यों है, टोस्ट जला क्यों नहीं, बल्ब फ्यूज क्यों नहीं हुआ। लेकिन नौकरानी दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे देगी, एक सेकेंड। नौकरानी को कभी टिकने देती है मम्मी, भाग गई आज, और मम्मी अंदर सो रही हैं। आज खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलिए एक पहेली बुझिए। हजारों का सर काटा, न मारा न खून किया। न मारा न खून किया तो फिर सर कैसे काटा? यही तो पहेली है मिस्टर। नहीं नहीं पूछ सकते ना? नहीं। हार मान गए? मान गए। तो निकालिए 100 रुपए। ये लो। हजारों का सर काटा, न मारा न खून किया, यानी नेल कटर। नेल कटर। कपिल देव ने सिक्स मारा। याहू। ओ कपिल देव माय हीरो, यू आर ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, फैबुलस माय डार्लिंग। मगर आनंदी, मैं तुमसे हजार बार कह चुका हूँ कि क्रिकेट की मुझे एबीसी भी नहीं आती है। क्रिकेट में एबीसी होता ही नहीं जिया, क्रिकेट में तो छक्का छुआ होता है, LBW होता है, कॉट बिहाइंड होता है। तुम्हें पता है डार्लिंग, मैं तुम पर थोड़ी आशिक हुई हूँ, मैं तो तुम्हारे नाम पर आशिक हुई हूँ, कपिल देव। ओफो, वही तो सब गड़बड़ हो गई। मेरा असली नाम कामदेव प्रसाद चिरंजीवी लाल रोकड़िया है। स्कूल में सब लोग मेरा जोक करते थे, इसलिए पिताजी को बगैर बताए मैंने चुपचाप बदल दिया है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। धोखा? तो जल्दी से एक पहेली बुझो, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। पहेली? हाँ। छोटी सी बिटिया, गज भर की चुटिया। क्या
छोटी सी बिटिया? किसकी बिटिया? मैंने पहेली बुझाई है कपिल, छोटी सी बिटिया गज भर की छुटिया, बुझो क्या है? क्या है? इडियट डार्लिंग, सुई धागा। अच्छा दूसरी बुझो। उफ, एक और? हाँ, छोटी सी डिबिया डब डब करे, चलता मुसाफिर गिर गिर पड़े। अरे यार छोड़ो ये पहेली वहेली। छोड़ूं कैसे, पहले ची बोलो। हाँ? ची, बस। तो सुनो, छोटी सी डिबिया डब डब करे, हुई भरी हुई आंख, और चलता मुसाफिर हुआ आंसू। बस, हे देवी मुझ पर दया करो, ये पहली वहेली मेरी समझ के बाहर है, कुछ और बातें करो। अच्छा हाँ। तो ये बात तो बताओ, जब तुम मेरे निकट आते हो, मेरा हृदय समुद्र के जल की तरह उथल उथल होने लगता है, समझे? नहीं। ए मेरे संग दिल सनम, मेरे दिल की सदा फलक से टकराती है। फलक? तुम्हें सुनाई देती है? नहीं नहीं नहीं। ओ माई क्यूपिड डार्लिंग, क्यूपिड, सिंस द टाइम योर एरो हैज स्ट्रक मी, अ वॉर इज रेजिंग इन माय हार्ट। वॉर? अंडरस्टैंड? नहीं, ये क्या ऊट पटांग बके जा रही हो, ये सब पहेली है क्या? ओए मेरे बेसन के लड्डू, तुम्हें पसंद है? अब किस भाषा में समझाऊं तुम्हें? हिंदी बोली, उर्दू बोली, हिंदी बोली, उर्दू बोली, अंग्रेजी में समझाया, प्रेम पहेली का मतलब तेरी समझ में ना आया। क्या करूं हाय मैं, क्या करूं हाय मैं, क्या करूं हाय मैं, क्या करूं। अरे हिंदी बोली, उर्दू बोली, अंग्रेजी में समझाया, प्रेम पहेली का मतलब तेरी समझ में ना आया। अरे बाबा क्या
प्यार में गगारते हैं क्या क्या प्यार में करते हैं क्या क्या प्यार मुझे करके बता प्यार मुझे करके बताना न हुआ लेकिन तुमको कुछ न हुआ अंगड़ाई ली होंठ दबाए अंगड़ाई ली होंठ दबाए इन जुल्फों को बिखराया प्रेम पहेली का मतलब अर मेरी समझ में अब आया क्या करो बोल अब क्या करो अरे भैया मेरी टांग को अपनी टांग समझ के रखो हे दुर्गा मैया ये कैसे हो गया ये दर्द हमसे नहीं नहीं सहा जाता माँ ये टैबलेट खा लीजिए दर्द कम हो जाएगा ये लीजिए अरे आंखें तो खोलिए अरे आंखें खोलने से क्या होगा देवी जी आंखें खोलने से हमारा दर्द थोड़े ही कम हो जाएगा अब हम बचने वाले नहीं हैं आंखें बंद किए हुए ही मर जाने दीजिए हमको अरे आपको हुआ ही क्या है कि आप मरने की बात कर रहे हैं जरा सी तो चोट आई है दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे तू भदरसे गांव की शारदा है ना बाबू शिवमंगल की बेटी हूँ तो लेकिन आप अरे मेरी भली कही पगली मैं तेरा नारायण चाचा हूँ सत्यनारायण चौबे तेरे स्वर्गीय पिता का परम मित्र अरे जब तू इतनी सी थी ना तो मेरी गोद में बैठकर कृष्ण लीला की कथाएं सुना करती थी तभी से तू मेरे मन में बसी है मैंने जब सुना कि तू किसी के साथ निकल ली तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ तेरे पिता का तो उसी झटके में निधन हो गया पर मैंने ठान ली मैं तुझे कहीं ने कहीं से ढूंढ निकालूंगा सैकड़ों ज्योतिषियों के पास गया अघोड़ियों की सेवा की श्री राम नाम की मालाएं जपी तभी श्री राम ने मेरी टांग तोड़कर तेरे पास सीधा भेज दिया वो लौना तुझे गच्चा दे गया क्या अरे धूल डाल उस पर शादी वादी की नहीं चाचा बेटी को पालने में ही अपने दिन बीत गए बेटी कितने बरस की है 18 साल है ये तो बहुत ही अच्छा वर्ष है क्या नाम रखा है उसका स्वाति स्वाति मेरा ग्रह भी स्वाति है प्रभु की लीला अपरंपार है बस को खड्डे में गिराकर मुझे अपने सगे संबंधियों से मिला दिया चाचा जी अपनों में से आप पहले हैं जिन्होंने इतने प्यार इतनी अपनाइयत से बात की है अरे राम 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 पगली तू अपनी है तो अपनाइयत की बात न करूं तो काहे की बात करूं अरे तू तो नारायण का प्रसाद है शारदे अब आप आराम कीजिए आपका खाना मैं घर से लाया करूंगी ठीक है क्या बात है भटनागर आंटी आज अंगूर की बेल की तरह बड़ी लचकी पड़ रही है आप तो हाउ फनी बात ही ऐसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेडीज का एक डेलीगेशन आया है इंडियन वुमेन की लाइफ की छानबीन करके किताब लिखने का प्रोग्राम बनाकर लेडीज रिक्रिएशन सेंटर में आज उनका पहला मीटिंग है मैं ये कहने आई थी कि तुम उस मीटिंग में श्योर आना और अपनी लाइफ स्टोरी उस अमेरिकन डेलीगेशन को बताना कैसे एक आदमी ने नव का नाटक करके तुमको समाज के मझधार में अकेला छोड़ दिया और फिर हर आदमी तुम पर उंगली उठाता है जबकि तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है उस आदमी ने तो बेचारा स्वाति का लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर दिया पुअर थिंग क्या हम कभी आपके सामने अपना हाल सुनाकर रोए हैं मिसेस भटनागर हम किसी अमेरिकन चौराहे पर बैठकर अपने घर के मैले कपड़े क्यों धोए ओह नो 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 हनी मेरा मतलब ये नहीं था मैं चाहती हूँ
कि बाहरी दुनिया को मालूम तो हो कि हिंदुस्तानी मर्द किस टाइप का है। तो फिर आप ये कहानी अपने घर से क्यों नहीं शुरू करती? उन्हें बताइए ना कि आपके ससुर जी ने संन्यास क्यों ले लिया, कि आपकी बेटी ने अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना क्यों शुरू कर दिया। प्लीज मिसेस भटनागर, आप यहाँ से चली जाए प्लीज। तू तो बेकार उस पर खोखिया पड़ी। अपनी जबान को काट छाट कर ठीक कर बेटियां, ताकि इस दुनिया में समा सके। उस दिन तो गलती से अपन का हाथ तुम्हारे कमरे पे पड़ गया था, उसके लिए अपन सॉरी बोलता है। पर ये तो बताओ, आज तुम्हारे बदन पे किधर हाथ लगाने का? रियलिज्म थी इस फाइट में। लगता है काफी मजदूरी देनी पड़ी होगी। जी? कहने का ये मतलब है कि वो तो किराए के ही गुंडे रहे होंगे, वरना 6-7 गुंडों को एक शरीफ आदमी के हाथ पिटकर भागते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। आपके ख्याल में ये सारा नाटक मैंने आपको इंप्रेस करने के लिए किया? जी। कुमारी स्वाति जी, अगर वो गुंडे यहाँ 1-2 मिनट ज्यादा रुक जाते तो मैं भाग निकलता। मेरा तो दम जवाब ही देने वाला था। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो इसी बात पर चाय या कॉफी हो जाए। हाँ हो जाए। हम भी कितने अजीब लोग हैं ना। हमारे देश को आजाद हुए 38 साल हो गए। आजाद? क्या हम आजाद हो चुके हैं? हाँ शायद हम आजाद हो चुके हैं। गरीब और गरीब होने के लिए, अमीर और अमीर होने के लिए। जब भी तो कहता हूँ कि आप हमारे विद्यार्थी आंदोलन में आ जाइए, ताकि हम मानव दुश्मन समाज का तख्ता उल्टा सके। आप कांग्रेस में यही बड़ी खराबी होती है, एक सुनने वाले को भी पब्लिक मीटिंग समझकर भाषण देने लगते हैं। ये आजादी चाहे जैसी भी हो, आजादी है, और इन एनी केस गुलामी से अच्छी है। ये आजादी है ही नहीं, मैं तो इस देश को उस दिन आजाद मानूंगा जबकि आप किसी गुंडे के खतरे बिना उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताब शांति से पढ़ सकते। अच्छा, then you deserve 2 cups of tea. Hi Mrs. Khurana, hi Nirmala, how are you? Fine. अच्छा हुआ तुम लोग मिल गई, नहीं तो तुम्हारे घर जाना पड़ता। आज शाम को मेरे घर में करवा चौथ का फंक्शन है। अच्छा, जान पहचान के सब सुहागन को इनवाइट कर रही हूँ। मिसेस भटनागर, शारदा को इनविटेशन कार्ड दिया या नहीं? Oh my God, no, no. उसको इनवाइट किया तो सारा फंक्शन चौपट हो जाएगा। की जगह मैं आई हूँ। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तुझे या तेरी माँ को बुलाया किसने था?
शादी ब्याह की बात होती तो बिन बुलावे कभी नहीं आती, पर पूजा में बुलावे की क्या जरूरत है? अरे तुम इसके साथ बात मत करो ठाकुर भाभी, इसके जबान में नाखून है नाखून, ये बात नहीं करते बाइट करती है बाइट। लुक मिस सोसो, ये फंक्शन सुहागन के लिए है, पार्टी वार्ता के लिए है, और तुम्हारा मामी पार्टी वार्ता नहीं है, तुम्हारा मामी सुहागन नहीं है, नॉट मैरिड, ओके? अच्छा अच्छा, तो ये पूजा पतिव्रता सुहागनों के लिए है। तो आंटी भटनागर, आप इनमें से चार पतिव्रता सुहागनों के नाम बताइए जो यहाँ आई हुई हैं। हे भगवान, इस लड़की का दीदा तो देखो, इसकी आंख का पानी तो बिल्कुल ही मर चुका है। सच तो ये है कि मेरी माँ ही पतिव्रता है। सुना आप लोगों ने? क्या मैं जानती नहीं कि आप लोगों के घरों में केचुए की तरह रेंगती हुई कितनी कहानियां हैं? किसी से धोखा खा जाने की बात और है, वरना मेरी माँ के जीवन के किसी क्षण पर कोई उंगली नहीं रख सकता। मेरी माँ ने आप लोगों की तरह जीती मक्खियां नहीं निगली। छी, मैं पाप दुनियादारी और हिपोक्रेसी के मेले में कहाँ आ गई। मैं पूछती हूँ, तुझे वह जाने की जरूरत ही क्या थी? मुझे ये गालियां सुनवाने, ये तो वही मसल हुई, आ बैल मुझे मार। मुझे लड़ने का शौक नहीं है माँ, और ना ही मेरे माथे पर दो सींग हैं कि मैं लोगों को मारती फिरूं। लेकिन क्या मुझे दूसरों की तरह जीने का अधिकार नहीं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया? जो धोखा खाएगा वो सजा भी भुगतेगा, यही दुनिया का तरीका है। Then it's high time ये तरीका बदल दिया जाए माँ। धोखा खाना अफसोस की बात है, शर्म की बात नहीं। डैडी। ओह हेलो। डैडी एक बात बताइए, जिसके हाथ नहीं पांव नहीं पीठ चढ़ के घूमे, बताइए वो कौन है? वो कौन है? वही जिसके न हाथ है न पांव है मगर पीठ पे चढ़ के घूमता है। जिसके ना हाथ है ना पांव है वो पीठ पर कैसे चढ़ सकता है भाई? ये कोट डैडी, कोट आपके पीठ पे चढ़ के बैठा है कि नहीं? पहेलियों का कोई वर्ल्ड कप होना डैडी, तो वर्ल्ड की कोई भी टीम मुझसे नहीं जीत सकती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कोट क्यों पहना दिया आपने मुझे? आप मुझे पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं ना डैडी? पिक्चर? नहीं आनंदी, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हूँ। ठीक है, मैं अभी जाके मम्मी से कंप्लेन करती हूँ कि आप मुझे पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहे। अरे नहीं आनंदी, मम्मी से कंप्लेन मत करना। अच्छा देखो, मैं मम्मी से कहकर आता हूँ कि हम पिक्चर जा रहे हैं। रमेश्वरी, तुम आनंदी की यादों से निकल क्यों नहीं जाती? तुम जब तक उसकी यादों में रहोगी वो बड़ी नहीं होगी, बच्ची ही रहेगी। बहुत थक गई। कोई बहुत सीरियस केस आ गया था क्या? हाँ, एक अबॉर्शन केस आया था, जब घर वालों ने जड़ी बूटियां खिला खिला कर केस बिगाड़ दिया तब लड़की को अस्पताल ले आए। बेचारी मुश्किल से 16-17 वर्ष की होगी। यानी वो बच्चा मार डाला गया? तो और क्या करते हैं, उस बच्ची को समाज में इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए इस बच्चे की मौत जरूरी थी। क्या दुनिया में ऐसी माएं भी होती हैं जो अपने बच्चे को मार डाले? एक हमारे हॉस्पिटल में हर महीने 10-12 अबॉर्शंस होते हैं। बेटी, बेटी क्यों रो रही हो? हाँ क्या हुआ?
माँ, मैं तुम्हारी आभारी हूँ माँ, तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि तुमने मुझे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि इसलिए भी कि तुमने मुझे जन्म लेने दिया। तुमने मुझे इज्जत की जिंदगी से ज्यादा कीमती जाना। मैं हजार जन्म लूं तब भी तुम्हारी माता का कर्ज नहीं चुका सकती। मेरी शादी करके मुझे अपने आप से अलग मत करना माँ। स्वाति, अलग मत करना। कॉमरेड है। तुम तो घायल हो बेटा, अंदर आओ, दरवाजा बंद कर दो। स्वाति, मेरा फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाना, यहां बैठ। शुक्र है गोली अंदर नहीं गई, वरना अस्पताल जाना पड़ता। एक गिलास गर्म दूध लाना। अच्छा। मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं माँ जी? जब माँ कह रहे हो तो बेटी की जुबान से शुक्रिया अदा करो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करती है, क्या तुम उनका शुक्रिया अदा करते हो? अपने माँ बाप का मुझे कुछ याद नहीं। और कोई? हाँ है, एक छोटी बहन है, लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर। ये बताओ काम क्या करते हो? बहुत बड़ा काम करते हैं, क्रांति लाएंगे ये। हाँ, इस देश के दुखों का इलाज चुनाव में नहीं, क्रांति में ही है। हाँ, और क्रांति आपकी इस बेहंगम दाढ़ी में है। अब चलिए ये दूध पीजिए और अपनी दाढ़ी ओढ़कर सो जाइए। आप जाके सो जाइए, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। नींद की तरकीब मैं बताती हूँ। पहले ये दूध पी लीजिए, फिर खाट पर लेट जाइए और आंखें बंद करके ये सोच लीजिए कि आप अमिताभ या जितेंद्र हैं और अपनी हीरोइन के साथ डुएट गाना गा रहे हैं। आजकल की फिल्मी गानों में गाना कम और एक्सरसाइज ज्यादा होती है, थक थका के आप सो ही जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग कॉमरेड। आई सेड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सुनाइए जनाब, नींद कैसी आई? बहुत अच्छी। लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू। एक बात कहूं? कहिए। रात सोने के लिए मैंने वही तरकीब की जो आपने बताई थी, खूब गाना गाया। अच्छा, किसके साथ? वो ओ कम ऑन कॉमरेड, किसके साथ गाना गाया था? आपके साथ। चाय पीजिए कॉमरेड और फिर कहीं जाकर नारे लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। याद करके बताइए कि अंदाजन कितने लोगों ने आपके साथ बलात्कार किया होगा? और उनकी शक्ल सूरत याद हो वो भी? हाँ, और उनकी उम्र भी। आपके पति चुपचाप उस दुर्घटना को देखते रहे? देखिए मिसेज जोशी, आपकी ये खामोशी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। जब वो लोग बलात्कार कर रहे थे
तो आपके दोनों हाथ कहाँ थे? भगवान के लिए मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। आप लोगों के इन सवालों की तकलीफ उन गुंडों की दी हुई तकलीफों से कहीं ज्यादा है। प्लीज चले जाइए, जाइए। आप बेकार हिस्टेरिक हो रही हैं मिसेस जोशी, सवाल पूछना तो हमारा फर्ज है। नहीं, सवाल पूछना आपका फर्ज नहीं है इंस्पेक्टर, सवालों का जवाब देना आपका फर्ज है। आपका फर्ज यह है कि आप नारियों को बलात्कार से बचाएं। बलात्कार हो जाने के बाद उनके घावों को अपने सवालों की उंगली से कुरेदना आपका फर्ज नहीं है। देवी जी, ओ प्लीज शट अप एंड जस्ट गेट आउट। मुझे या समाज को उस कानून की कोई जरूरत नहीं जिसका ज्यूरिसडिक्शन जुर्म हो जाने के बाद शुरू होता हो। अगर आप कानून के रखवाले हैं तो बाहर जाइए और लुटती हुई आबरूएं बचाइए। यहाँ इस किस्म के बेहुदा सवाल करके उसे और घायल मत कीजिए। प्लीज चले जाइए, चले जाइए। चलो। स्वाति, स्वाति, मैं लुट गई। स्वाति, मैं किसी को भूत गाने के काबिल नहीं। अरे पगली, क्या हुआ है तेरे मुंह को? हाँ देख, किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो क्या वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता? और क्या तेरी आबरू कोई 10 रुपए का नोट है कि कोई छीन कर ले जाए? नहीं नहीं, पर ये सब हुआ कैसे? बोर में एक शादी से वापस आ रहे थे, बहुत मुश्किल से ऑटो रिक्शा रोका। क्या हो रहा है? चलो तुम्हारे वो है कहाँ? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे पास। मैंने तो तब से उनके दर्शन नहीं किए। आओ स्वाति। मैं सिर्फ ये देखने आई हूं कि जब लक्ष्मी अस्पताल में पड़ी अपनी जिल्लत को अकेले झेल रही है, इस वक्त आप घर पर बैठे कैसे लग रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? तो मैं क्या करूं स्वाति, रात जब वो गुंडे लक्ष्मी के साथ मेरी आंखों के सामने बलात्कार कर रहे थे तो मैं उसे बचाने के लिए लड़ते लड़ते मर भी ना सका। मैं जिंदा हूं और इस ख्याल से डरता हूं कि बाहर निकला तो लोग उससे पूछेंगे कि लक्ष्मी के साथ क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो स्वाति, मैं क्या जवाब दूंगा? मनोहर श्याम जी, वही जो हुआ, बेझिझक बेशर्माए कहिए। याद है उस दिन जब लक्ष्मी की उंगली पर एक मामूली सा घाव लगा था, आप कैसे तड़प गए थे? बलात्कार भी एक घाव है, उसे शर्माया नहीं जाता, उसमें मरहम लगाया जाता है। अगर आप कायर नहीं, आधे अधूरे आदमी नहीं, तो अस्पताल जाइए और अपने हाथ में लक्ष्मी का हाथ लेकर पूछने वालों से कहिए कि किसी औरत के साथ बलात्कार होना औरत के लिए कोई शर्म की बात नहीं, समाज के लिए शर्म की बात है। अरे हाँ हाँ शारदा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं तुम्हारे घर में 2-4 दिन अवश्य रहूंगा ताकि तुम्हारे बारे में विचार कर सकूं। तो ये है तुम्हारी बेटी स्वाति। अरे तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर निकली,
तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान वैसे ही जा रहा है जिस तरह तुम्हारी उम्र की शारदा की तरफ जाता था। चलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। स्वाति जी, मैं वही राम मोहन उर्फ कॉम्रेड तोड़फोड़ सिंह। अरे आपकी दाढ़ी कहाँ गई? दाढ़ी तो कमबख्त वो रेवोल्यूशन के साथ चली गई। चलिए चाय पीते हैं। चलिए। दो चाय लाना। दरअसल मुझे आपसे दो बातें पूछनी थी। एक ये के क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? ये पूछने के लिए 5 रुपए की चाय मंगाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मैं आप या जनाब में बिलीव ही नहीं करती। और दूसरी बात क्या है? वो बात तो तुम्हारी माँ से पूछने की है। क्या उन्हें भी तुम कहना चाहते हो? नहीं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं उनसे अपनी और तुम्हारी शादी की बात करना चाहता हूँ। मैं अभी शादी के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ राम मोहन। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें? नहीं नहीं, वो बात नहीं। तुम्हें तो मेरी माँ की कहानी मालूम है ना? दरअसल मुझे किसी की शादीशुदा जिंदगी को पास से देखने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा, बल्कि शायद सबसे बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी में नहीं करना चाहती। क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों कुछ दिन और यूं ही दोस्त रहे? क्यों नहीं हो सकता? जहां तक कि मेरी जिंदगी का सवाल है, अब तो सिर्फ उसमें वही हो सकता है जो तुम चाहती हो। मैं तो तुम्हें चाहती हूं, तुम्हें जा चाहती हूं। मेहरबानियों को बहने दो
उठा के वादे कई किए हैं, इस दिल के साथ तुमको तोहफे कई दिए हैं, तोहफे कई दिए हैं, रखना संभाल के, रखना संभाल के तुम मेरी निशानियों को। मैं अब न जी सकूंगा तुम बिन ये याद रखना, दिल तो लगा रही हूँ लेकिन ये याद रखना, लेकिन ये याद रखना, दिल से लगा के, दिल से लगा के रखते हैं दिल की जानियों को। बहने दो बांध तोड़ के दरिया के पानियों को, बहने दो बांध तोड़ के दरिया के पानियों को। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन। शारदा आओ आओ बैठो। बैठो शारदा, आज का दिन शुभ है और ये घड़ी तो महाशुभ है, इसलिए मैं तुमसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता हूं। मुझसे तुम्हारा ये निर्जन जीवन नहीं देखा जाता, भला ये कोई उम्र है मित्रहीन जीवन व्यतीत करने की? पर अब मैं आ गया हूं, तुम यहां आराम से निश्चिंत रहो, मैं ही आता जाता रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे दुख दर्द बांटूंगा, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें? आप तो पिता समान है चाचा जी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? रिश्तों का भी अजीब मजाक है, मेरा मतलब है मेरी पत्नी से मेरी जगह मेरे पिता का विवाह हो जाता तो वो मेरी पत्नी होने की जगह मेरी माता हो जाती, है कि नहीं? अरे माता पिता पति पत्नी ये सारे संबंध तो हमने घड़े हैं, नहीं तो इसका अर्थ है क्या? ये जीवन एक माया जाल है शारदे, जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं और हमारी नकेल एक ऐसे अनदेखे हाथ में है वो जिधर चाहे मोड़ दे, हम तो कठपुतलिया है कठपुतलिया। बस आज फैसला हो गया, आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे हुए और तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हुई। मुझे तो सिर्फ एक ही चिंता है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए और स्वाति के हाथ पीले हो जाए तो मैं समझूंगी मैं गंगा नहा ली। तुम भी बड़ी मूर्ख हो शारदा, शुद्ध घी का मटका सामने है और मक्खन खरीदने बाजार जा रही हो, और फिर स्वाति के जीवन का इतिहास जानने के बाद कौन करेगा उस बिचारी से विवाह? हाँ मुझे को कुछ करना पड़ेगा। दाएं तुम्हें रखूंगा और बाएं स्वाति को, तुम दोनों का जीवन मजे में बीत जाएगा। क्या कहा तूने?
नीच, कमीने, कुत्ते, हरामी, जलील, निकल जा मेरे घर से, बुड्ढे, पानी, निकल जा, आइंदा इस घर में शक्ल भी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगी। रोती क्यों हो माँ? उस घिनौने आदमी की बात का क्या बुरा मानना? उसका बस चले तो वह मंदिर जाकर देवी माँ की मूर्ति से भी लिपट जाए। हमारे पास अपनी आत्मशक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है माँ। और ये आंसू उस शक्ति के दुश्मन है। हमें किसी दोस्त या रिश्तेदार की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे लिए मैं हूं, मेरे लिए तुम। जी लेंगे हम दोनों, जी लेंगे। जिस दुनिया में नारायण जैसे आदमी बसते हो उसमें तो नारी जाति सुरक्षित रह ही नहीं सकती। ये कमबख्त औरत की कोख से जन्म लेते हैं और अपना सारा जीवन औरत ही का अपमान करने में बिता देते हैं। और मेरी बेसहारा माँ। धीरज रखो स्वाति, धीरज रखो। मैं जानता हूं कि उस कमीने की हरकत से तुम्हारे दिल पर ठेस लगी है और माँ जी भी दुखी होंगी। लेकिन फर्ज करो अगर उस कमीने की जगह एक शरीफ आदमी आकर माँ जी को एक घरेलू जिंदगी देना चाहे तो। व्हाट आर यू ब्लैबरिंग? मेरी माँ इस उम्र में? इस उम्र में अगर एक गलीज आदमी उन्हें अपनी रखेल बनाने की सोच सकता है तो क्या एक शरीफ आदमी उन्हें अपमानों की इस दलदल से निकालने की नहीं सोच सकता? उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की नहीं सोच सकता? आखिर उनकी उम्र ही क्या है स्वाति? ये नहीं, कोई दूसरा डिजाइन दिखाइए ना। आपके लिए चाहिए, आपकी बड़ी बहन के लिए। ये मेरी बड़ी बहन नहीं है, मेरी माँ है। अच्छा। अरे शारदा। अरे माधवी। कब आई? एक महीना हुआ। अच्छा। हाँ। अब मगर तुम हो कहाँ? दिल्ली में थी ना। अरे तुम तो हिस्ट्री की बात करने लगी। मेडिकल का कोर्स करते करते वहाँ स्कॉलरशिप मिल गया और स्वीडन चली गई। वेरी गुड। वहाँ से लौटी तो सोचा कब तक यूं ही भटकती रहूंगी, शादी वादी कर लेनी चाहिए। यही का प्रपोजल है, सोचती हूँ यही सेटल हो जाऊं। ये स्वाति है ना? हाँ। नमस्ते आंटी। कितनी बड़ी हो गई है। हम जब बूढ़े होंगे बच्चों को जवान होना ही पड़ेगा। क्या कह रही हो, बूढ़े हो हमारे दुश्मन। क्या देख रही है मेरी तरफ? मैं इस बात पर हैरान हूं माँ कि मैंने अब तक नोट ही नहीं किया कि माय गॉड तुम कितनी खूबसूरत हो। पागल लड़की, चल अपना काम कर। यू क्या देख रही है मेरी तरफ? यू ही बस देखने को जी चाह रहा है। पर क्यों, क्या हुआ है मुझे? हुआ तो कुछ नहीं पर सोचती हूँ हो जाए तो अच्छा हो। पहेलियाँ क्यों बुझा रही है? हाँ क्या हो जाए तो अच्छा हो? तुम मेरी माँ हो ना, पल भर के लिए मेरी बेटी बन जाओ तो बताऊंगी। तेरी बेटी तो अब मैं अगले जन्म में ही बन सकती हूँ, पर चल ये भी ठीक है। बताओ मामी तुम क्या होने की बात कर रही थी? ऐसा करोगी तो मैं नहीं बताऊंगी।
क्या कहते कहते रुक गई थी? मैंने सुना है कि मई के महीने में शादी के शुभ मुहूर्त बहुत होते हैं। इस बात के लिए तू इतनी लंबी भूमिका बांध रही थी? ये कह के तो तूने मेरे कलेजे के घाव पर मरहम रख दिया बेटी। किससे शादी करना चाहती है तू? क्या शादी इतनी जरूरी चीज होती है माँ? शादी के बिना औरत के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। औरत एक बेल की तरह होती है बेटी, उसे सहारा चाहिए ही चाहिए। शादी से पहले पिता की शरण, फिर पति का साथ, फिर बच्चों की छांव। औरत अकेली रह ही नहीं सकती। तो फिर मेरे शादी करके चले जाने के बाद तुम्हारे साथ कौन रहेगा? अकेली हो जाओगी कि नहीं? अकेली क्यों हो जाऊंगी, तेरे साथ रहूंगी। और जो मेरे पति देव को ये अच्छा नहीं लगा तो कहीं और रह लूंगी। अकेली जान को रहने के लिए पूरा शहर थोड़ी चाहिए। लेकिन तुम्हारा अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ये तय हुआ कि अपनी शादी करने से पहले तुम्हारी शादी करूंगी। एक तरह से देखा जाए तो नारायण मेरी आंखें खोल गया, नहीं तो मैं कभी ये देख ही ना पाती कि तुम अभी शादी की उम्र से निकली नहीं हो। हाँ कह दो ना माँ। तू पागल हो गई है? शादी के बिना तो औरत की जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं। औरत तो बेल की तरह है, उसे सहारा चाहिए ही चाहिए। पहले पिता की शरण, फिर पति का साथ, फिर बच्चों की छांव। वो तो अकेले रह ही नहीं सकती। तू मेरी बात मेरी ही तरफ लौटा रही है, मैं तो तेरे विवाह की बात कर रही थी। पहले विवाह तुम्हारा होगा, बाद में मेरा, क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो। बस बस, बेटी होकर अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? क्या बुरी बात कर दी मैंने? तुम अपनी जिंदगी को कूड़े की तरह एक टोकरी में भरे सर पर उठाए उठाए कब तक भटकती रहोगी? और ये भटकन भी किसके लिए? उसके लिए जो एक अजनबी शहर में तुम्हें बेच के भाग गया? माँ, तुम्हारा ब्याह ना करना एक अन्याय होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारा विवाह होगा तभी मेरा सपना पूरा होगा। मेरी आंखों में अपने लिए कोई सपना नहीं है बेटी, मेरे सारे सपने सिर्फ तेरे लिए हैं। विवाह सपना नहीं है माँ, ये एक सामाजिक वास्तविकता है। इट्स अ सोशल रियलिटी। इससे तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। मेरे पास वो दिमाग ही कहाँ है जिसे सुकून का लालच हो। है, पर तुम उसका धीरे धीरे गला घोंटती जा रही हो। मैं वो दिमाग लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे भाग में शांति नहीं लिखी है। शांति तो लिखी है माँ, तुम अपना भाग्य ठीक से पढ़ नहीं पा रही हो। अच्छा फर्ज करो कोई तुम्हारे जीवन में शांति बनकर आना चाहे तो। ऐसा पागल कौन होगा बोल। आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे अंकल? आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे अंकल? स्वाति, क्या अपनी मम्मी से लड़कर आई हो? आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे? हाँ? बच्चों जैसी बात मत करो, तुम्हारी आंटी को पता चल गया तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अंकल आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि इस कमरे में सिर्फ आंटी की एक फोटो है। आप एक डॉक्टर हैं अंकल, आनंदी को तस्वीर नहीं, एक जीती जागती मां चाहिए। अरे तुम तो सीरियस लग रही हो। यस ऑफ कोर्स। अब बताइए आप मेरी मम्मी से शादी करेंगे? मेरी उम्र है शादी करने की? क्यों नहीं, यही तो उम्र है शादी करने की और इसके आगे की उम्र है। नौजवानी में शादी की जाती है तो औलाद के लिए या घरबार के लिए,
इस उम्र में आदमी को एक साथी की जरूरत पड़ती है. इट्स नॉट फॉर सेक्स, इट्स फॉर कंपेनियनशिप. एक ऐसा साथी जिसके साथ दुख दर्द बांटा जा सके. जरा सोचकर देखिए, आप मेरी मां को 10 बरस से जानते हैं. मेरी मां के अतीत से भी आप अपरिचित नहीं. क्या आप ये नहीं सोचते कि मेरी मां को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन इस घर में शादी के लायक एक बेटी है. मेरी मां के घर में भी शादी की उम्र की एक बेटी है अंकल. मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दोगी बेटी? जितना भी वक्त चाहिए उतना वक्त ले लीजिए अंकल, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरी मां कभी आपको बुरी नहीं लगी. और ये भी मैं अभी को बता रही हूं, मेरी मां आपकी बहुत इज्जत करती है. आप दोनों ने अपने बीच चुपके एक दीवार खड़ी कर रखी है. आप दोनों की बीमारी एक ही है, तन्हाई, सूनापन. और आप दोनों की बीमारी का इलाज भी एक है, शादी. अब मैं चलती हूं, शादी मुबारक. आज तक मुझे अपने मम्मी के फोटो से बहला है और मैं समझती रही कि यही मेरे लिए काफी है. और अब एक जीती जागती सौतेली मां मुझ पर थोपना चाहते हैं. आपको क्या मेरे फ्यूचर का ख्याल नहीं है डैडी? बेटी मैंने ओ डार्लिंग डैडी, आपने तो कपिल देव से भी ज्यादा फैंटास्टिक छक्का मार दिया. ओ डैडी, कल नहीं आज ही मेरी माँ को ले आइए ना प्लीज. मेरी सब सहेलियाँ अपनी अपनी माँ दिखाती हैं, फिर मैं भी उन्हें दिखाऊंगी किले ठेंगा. मेरी सौतेली माँ तो तुम्हारी असली माँ से बहुत अच्छी है. डैडी फिर मैं मम्मी के साथ सिनेमा भी जाऊंगी ना, बड़ा मजा आएगा. प्लीज डैडी आप जल्दी से ब्याह कर लीजिए ना प्लीज. A sort of sister-in-law. You're a lucky doctor. ऐसे ट्रेन नर्स से शादी की, बच्चे तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते लिखते पैदा होंगे. ओहा, कांग्रेस कांग्रेस. थैंक यू. लकी कपल लकी. मैं भी. मम्मी ये मेरी सहेलियां हैं. ये है नैनतारा, ये है बिल्किस उर्फ बिल्लू, ये है कैथरीन, ये है बंटी और ये रही घंटी. और इनमें से किसी के पास भी मेरी मम्मी जैसी अच्छी मम्मी है ही नहीं. भगवान का चक्कर समझ में नहीं आता, कुंवारी लड़की मेहमानों को वेलकम कर रही है और बूढ़ी अम्मा नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है. अरे आई छोटी, अरे वो तो डॉक्टर के साथ में काम करती थी ने? अरे डॉक्टर ने कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर डाला रे? बाबा जी सिर्फ डॉक्टर ने नहीं, दोनों ने मिलकर गड़बड़ की है. एम वाचे. अरे मैं कहती हूँ बूढ़ी घोड़ी को ब्याह करने की जरूरत ही क्या थी. हाय हाय जरूरत क्यों नहीं, मुझे जो कल मिली आज ही मैं कर लूँ. शादी के दिन मम्मी डैडी सुन लो बात हमारी, एक दूजे के आज हुए तुम छोड़ के दुनिया सारी. समझे शादी मुबारक बोले शहनाई, ओ बोले शहनाई, बधाई बधाई बधाई. शादी मुबारक बोले शहनाई,
मेरी तरफ जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। पहले ऐसे कहां देखा था माँ? जरा आनंदी के कमरे में लपक के जा बिटिया और उसे जगा कर ये चाय पिला दे, वरना वो सोती रहेगी और कॉलेज में देर हो जाएगी। मैं तब तक तेरा नाश्ता तैयार करती हूँ। कपिल डार्लिंग, मेरा प्यार तेरे सिक्सर की तरह फेंस पार कर चुका है। ओ माय डार्लिंग केरी, तेरी मुस्कुराहट के इन स्विंगर ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये नींद में कपिल देव क्या कर रही थी? ये सपनों की बातें हैं स्वाति। थैंक्स। तुम सपने देखती हो? अच्छा तो ये बताओ, क्रिकेट में वो क्या है जो है भी और नहीं भी? नहीं मालूम। नो बॉल यार। क्या न्यूज है डैडी? बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है बेटे। क्या है न्यूज? ये कि नर्स शारदा आज से काम पर नहीं जाएंगी। क्या करे, नर्स शारदा की ड्यूटी अब बदल गई है। इसे रहने दीजिए, गरम टोस्ट लीजिए, ये ठंडा हो गया है। अच्छा तो एक पहेली बुझे मम्मी डैडी। पानी से जन्मा है खुशकी पे पनपा है, पानी में डालो तो गायब हो जाता है। ये क्या पहेली हुई? नमक मम्मी नमक, जो आप इस दही वड़े में डालना भूल गई हैं। बिल्कुल भूल गई। अंकल मैं आपको कह रही थी। अंकल ओ, क्या आनंदी तुम्हारी मम्मी को आंटी पुकारती है? सुनो, आज से तुम्हारी मम्मी आनंदी की मम्मी हैं और आनंदी के डैडी तुम्हारे डैडी भी हैं। डैडी बोलो। उसकी तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा मैं अब चलती हूँ। चलती हूँ कहाँ? अपने घर, मैं आती जाती रहूंगी। और संडेस को तो पूरा दिन ही बिताने आया करूंगी। वैसी चलो आनंदी, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। क्यों, ये कहाँ जा रही है? जहाँ तुम जा रही हो। अगर एक बेटी इस घर में नहीं रह सकती है तो क्या दूसरी बेटी इस घर में रह सकती है? और फिर तुम तो बड़ी बेटी हो और तुम्हें हमेशा थोड़ी इस घर में रहना है। जब भेजूंगा तो खूब धूमधाम के साथ भेजूंगा, लाड़ प्यार के साथ भेजूंगा इस घर से, लेकिन उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम्हारा मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं हो जाता। हाँ स्वाति, तुम्हारे दाखिले के लिए एक अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कोशिश कर रहा हूं। वेरी गुड। कहा तो यह था कि कोई अपने बाप के बारे में बात निकाले तो तुम बारूद की तरह फक से दब जाती थी, और आज कॉन्ग्रेट्स। क्या कॉन्ग्रेट्स? 6 साल तक मेडिसिन पढ़नी होगी मुझे। आनंदी साइंस में कमजोर है ना, इसीलिए डैडी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आनंदी यानी तुम्हारी बहन? हाँ मेरी बहन। हाँ। उसे पढ़ाई का नहीं बस पहेली बुझाने का जुनून है। जरा सा मुंह खोलती है तो पहेलियों की झड़ी लग जाती है। जब हम और तुम आमने सामने खड़े हो तो मैं तुम्हारा देख सकती हूँ और मेरा तुम, लेकिन मैं खुद अपना नहीं देख सकती और ना अपना तुम। बोलो क्या? क्या क्या क्या? मैं तुम्हारा देख सकता हूँ और तुम मेरा? हाँ, लेकिन मैं खुद अपना नहीं देख सकती और ना तो तुम अपना देख सकते हो। बुझो क्या? मुझे नहीं मालूम। अपना अपना चेहरा बुद्धू। ओ हाँ, तुम्हारा ये प्यारा प्यारा चेहरा मैं देख सकती हूँ लेकिन तुम खुद नहीं देख सकते, है ना? करेक्ट।
लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा देखना चाहता हूँ। तुम मेरा चेहरा 6 साल तक नहीं देख सकते, जब तक मेरा मेडिकल कोर्स पूरा नहीं हो जाता। तो क्या मैं कद्दू छीलूंगा 6 सालों तक? कद्दू क्यों छीलोगे, कोई यूजफुल काम सोचो। अभी शादी के सिवा तो कोई यूजफुल काम सूझ नहीं रहा है। तो ये यूजफुल काम यानी शादी अब 6 बरस के बाद ही सोचना। अगर तुम कल शादी करने का वादा करो ना, तो मैं आज ही पढ़ाई छोड़ दूं। शादी? शादी तो मैं कल की जगह आज कर लूं। मगर वो मेरा बाप है ना, वो चिरौंजी लाल गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया, वो दिन रात एजुकेशन और संध्या का जाप करता रहता है। क्या? हाँ। संध्या? ये कौन है? मुझे नहीं मालूम। ओ आई सी। तुम मेरे एक बात कान खोल कर सुनो। हाँ बोलो। खोलो कान। तुम्हें ना तो किसी एजुकेशन की जरूरत है और ना किसी संध्या की। मगर वो मेरा बाप चिरौंजीलाल को। उनका नाम मुझे पता है। अच्छा अच्छा। तुम मुझसे वादा करो कि आज से तुम किसी एग्जाम में पास नहीं होगे, तो ना तो तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होगी और ना तो चिरौंजीलाल गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया किसी संध्या से तुम्हारी शादी करेंगे। वन डिफिकल्टी। व्हाट डिफिकल्टी? मुझे फेल होना आता ही नहीं है। व्हाट आर यू टॉकिंग मैन? क्या महिवाल रांझा या मजनू को मरने की प्रैक्टिस थी कि मर गए? प्यार में लोग जान भी दे सकते हैं और तुम एक सड़े हुए बीएससी के एग्जाम में फेल नहीं हो सकते? शेम ऑन यू। ठीक है, जल्दी से एक पहेली बुझो। फिर पहेली? बोलो। एक काले कपड़े पर सफेद नक्शा देखा। हाँ। दूसरी बार देखा तो नक्शा गायब। हाँ? बोलो क्या? सपना। भाई तुम्ही ने तो सिखाया था ना सपना देखना, तो 6 साल तक सपने ही देखा करूंगा। लेकिन जिंदगी सपना नहीं, एक हकीकत है राम, ठोस हकीकत। इसे सच्चाई की नजर से ही देखना चाहिए। हाँ, मगर सच्चाई बहुत कड़वी होती है। आपका नाम स्वाति है? हाँ। लक्ष्मी जी मरने से पहले ये खत आपके नाम लिख गई थी। डियर स्वाति, अपनी की हुई तमाम तकरीरें भूल जाओ। समाज को दिल दुखाने के 1000 तरीके आते हैं, उसे हमदर्दी के शब्द भी काली की तरह बकना आता है। सब हमदर्दी के बहाने आए और मुझे कीचड़ में गाड़ कर चले गए। मेरे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया, तो इस जीवन का यही अंत ठीक लगा। क्योंकि ऐसे किसी देश में जीने का अर्थ क्या है जो ये पूछे कि चंद आदमियों की बरबराहट से मैं हार क्यों गई, लुट क्यों गई? इस देश में बलात्कार करने वाले आजाद घूम रहे हैं स्वाति, और बेबस मैं, लाचार मैं, मजबूर मैं, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी गई। मैं तो चाहती थी कि मनोहर श्याम जिए, उन्हें मरने की क्या जरूरत है? वो तो मर्द है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई है। शायद हम दोनों कायर हैं, शायद हमें ठीक से लड़ना नहीं आया। मेरे देवर जी ने मनोहर से कहा। मैं कह रहा हूँ ऐसी फुलटा औरत को घर में रखना ठीक नहीं है, मेरी बात मानो, इसे फौरन घर से बाहर निकाल दो। अरे बेशरम, तेरी परछाई मुझ पर पड़ गई है, अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। राम राम राम। अरे मुझे छोड़ के चली गई। अरे मेरी मक्करी क्यों करती हो शांति दाए? लक्ष्मी के कातिलों के फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। ए होश में आ लड़की। ए होश में आ चाची को। इस लड़की को तो तुम गिरीश हो, नीच। एक तो उस बिचारी को मार डाला, ऊपर से झूठे आंसू बहाते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्वाति, स्वाति, छोड़ दो इस कमीने को। तुम अपना खून क्यों जलाती हो स्वाति? जाने दो इसे। कभी नहीं। ये लोग मेरी लक्ष्मी के कातिल हैं। मैं इन्हें सजा दिलवाए बिना चैन का सांस नहीं लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये खत पढ़िए, प्लीज पढ़िए। इसमें लक्ष्मी ने खास तौर पर लिखा है, उसके कातिल ये गिरीश और ये शांति ताई है, इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की सर। अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। चलो चलो हटो यहां से। होल्ड योरसेल्फ।
शारदा, मेरे दोस्त नरेंद्र गोयल का बेटा ऑर्थोपेडिक करके अमेरिका से आया, उसके लिए एक अच्छी लड़की तलाश है, और मेरे ख्याल में सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी लड़की अपनी है स्वाति। डैडी, 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 मुझे एक मेल कंपेनियन चाहिए। क्या चाहिए? मेल कंपेनियन डैडी, आप इतनी भी अंग्रेजी नहीं समझते। एक मर्द साथी, दैट्स एक भाई। चुप, आपका भी कमाल है मम्मी, स्वाति को जन्म देने की क्या जरूरत थी? एक लड़का जन्मा होता तो आपका घर कंप्लीट होता, आप दो और आपके दो, अब आप दो और आपके तीन करने पड़ेंगे। आई एम वेरी सीरियस डैडी, मुझे एक भाई चाहिए ही। तो आनंदी, पर चेंज कभी तो बोलने से पहले रुक के सोच तो लिया करो। अरे स्वाति, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? ओह माय गॉड, देख लीजिए। मैं एक मिनट में आई। अरे भाग जल्दी से। अरे मुझे छोड़कर चले गए? आनंदी को जल्दी थी, मैंने ही उसे जाने को कह दिया। तू बस से चली जाना, आखिर हमेशा बस से ही तो जाया करती थी। दीदी तो समझती नहीं कि मुझे देर हो सकती है, और मैंने तुम्हें टाइम दे रखा था, इसलिए मैं दीदी के आने से पहले ही निकल पड़ी और डैडी से कह दिया कि फर्स्ट पीरियड है। अब मैं तुम्हें एक पहेली बुझाऊं? फिर पहेली? अगर तुम्हारे प्यार का यही मतलब है कि जिंदगी भर में तुम्हारी पहेलियां बुझता रहूं, तो मैं चला। कपिल, नीचे आओ। कपिल, प्लीज कपिल नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो चला। ओ, कपिल, कपिल, कपिल रुक जाओ, कपिल प्लीज रुक जाओ, कपिल रुक जाओ ना डार्लिंग, कपिल। तुमसे भाग क्यों रहे थे? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी पहेलियों से भाग रहा था। लोग प्यार में घर बार, माँ बाप, यहाँ तक कि कभी कभार दुनिया तक छोड़ देते, और एक तुम हो कि एक ससुरी पहेली भी नहीं छोड़ सकती। Enough is enough। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? लगती हो, लेकिन पहेली नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ, मगर पहेली से नहीं। अच्छा, तो मैं एक शर्त पर पहेली बुझाना छोड़ सकती हूँ? मुझे हर शर्त मंजूर है। अगर तुम ये पहेली बुझ जाओ तो? ओ, फिर वही पहेली। तुम शर्त मान चुके हो, अगर बुझे तो मैं अपना एक हाथ तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। खाली एक हाथ से काम नहीं चलेगा, पहले प्राइज मनी बढ़ाओ। तो मैं दोनों हाथ तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तो पहले रिहर्सल करते हैं। नहीं, हाँ। पहले पहेली। पहले हाथ। पहले पहेली। पहले हाथ। नहीं, हाँ। पहेली। पहले हाथ। पहेली। पहले हाथ। पहेली। 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 पहले हाथ। वो लड़का कौन था? लड़का तो लड़का ही हो सकता है, लड़की थोड़ी हो जाएगा। उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? यार बोर मत करो, और एक बात सुन लो, डैडी के सिवा मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ, वो इस वजह से कि अब तक इस घर में तुम्हारे डैडी के सिवा कोई और था नहीं। अब मैं भी सवाल करूंगी, मम्मी भी सवाल करेंगी। बढ़िया ही सवाल करने वाली। मम्मी तो बेचारी इतनी अच्छी है, कुछ कहती ही नहीं। देखो आनंदी, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? देखिए ना मम्मी, आप ही फैसला कीजिए। ये कहती है कि मैं किसी से दोस्ती ही नहीं कर सकती। दोस्ती कर सकती हो, लेकिन लड़कों के साथ ढींगा मस्ती नहीं कर सकती। देखा देखा, चिल्ला रही है मुझ पर, क्या किया है मैंने? ये बुरी बात है बेटी, छोटी बहन पर चिल्लाया नहीं करते। लेकिन माँ, इसकी हरकतें छोटियों जैसी नहीं है। जो मैंने देखा है वो तुम देख लेती, या अंकल देख लेते तो वो कितना। मम्मी डैडी तुम्हारी तरह सीआईडी नहीं है, और बहुत से काम है उन्हें। देखा मम्मी, हर वक्त मुझ पर ऐसे ही धौंस जमाती रहती है। डैडी ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। बिन माँ की बच्ची है स्वाति, उन्होंने लाड प्यार से पाला है। डांटा मत करो, समझाया करो, और हमें उसका दिल दुखाने के अधिकार क्या है? अपने कमरे में जाकर रो रही होगी, पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी। ए मिस्टर, सर उठाए कहां चले आ रहे हो? क्या बीमारी है?
बीमारी? अरे भाई डॉक्टर के घर आयो, कोई बीमारी तो होगी। लेकिन डैडी घर पर नहीं है, वो हॉस्पिटल गए हैं, वहीं जाके मिलो। मैं स्वाति से मिलने आया हूँ। ओह स्वाति, वो क्यों साहब? वो मैं स्वाति को बता दूंगा। हेलो राम। हेलो स्वाति। अंदर आओ। ये साहब कौन है? मेरे फ्रेंड राम मोहन। छी, तुम लड़कों के साथ दोस्ती करती हो और उन्हें घर पे भी बुलाती हो। छी 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 छी, इसमें छी छी करने की क्या बात है? वाह, मैं करूँ तो छी छी और तुम करो तो छी छी नहीं। बॉयफ्रेंड्स को सिनेमा हॉल में मिला जाता है, पार्क में मिला जाता है, उन्हें घर पे नहीं बुलाया जाता। फैमिली की इज्जत भी आखिर कोई चीज होती है। शट अप। आओ राम। मम्मी मम्मी, राम मोहन नाम का एक लड़का स्वाति से मिलने आया है और वो उसे सीधा अंदर ला रही है। हाँ हाँ राम मोहन, हम तो उसे बहुत दिनों से जानते हैं बेटी। वैसे तो मैं भी कपिल को बहुत दिनों से जानती हूँ, मगर क्या मैं कभी उसे अपने घर ले आई हूँ? ना बाबा ना, मैं ऐसी बेशर्मी थोड़ी कर सकती हूँ। डैडी को स्वाति के बॉयफ्रेंड का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मम्मी मम्मी। हाँ, मैं देखती हूँ। अब झाड़ पड़ेगी। सुनो, कोई खास बात है? हाँ, यही सोच रही थी कि इतने दिनों से क्यों नहीं मिले। हाँ, बिजी था, कद्दू छिल रहा था, सपने देख रहा था और फिर सोचा कि मैं तुमसे मिलता जाऊं। मम्मी, राम मोहन। नमस्ते माँ जी। जीते रहो। देखो बेटा, मेरी बात का गलत मतलब ना निकालना, लेकिन अब इस घर में मत आना। इसकी वजह स्वाति बता देगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। नमस्ते। नमस्ते। बाय स्वाति। माँ, ये तुमने क्या किया? मैंने जो किया वही ठीक है स्वाति। घर की मर्यादा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। राम मोहन से हमारे बीते हुए कल की जान पहचान थी और उस बीते हुए कल से अब हमारा कोई नाता नहीं। अब हम पर इस घर का अधिकार है और इस घर की तरफ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अरे, इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? हर घर के अलग अलग तरीके होते हैं और इस घर का यही नियम है। लेकिन मेरी माँ को क्या हो गया है? वो तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब की पत्नी भी है। और फिर माँ जी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार भी तो मिलना चाहिए। तुम अपना दिल बुरा ना करो। जिस देवी ने मुझे वहां आने से मना किया वो तुम्हारी माँ नहीं डॉक्टर साहब की पत्नी थी। और फिर यह खुशी उन्हें कितने दिनों बाद मिली है। ऐसा करते हैं, कहीं चलकर उनकी ये नई खुशी, ये नई जिंदगी को सेलिब्रेट किया जाए। ओके, कम ऑन। Yeah.
क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, जिस तरह आदमी अपनी भूख और प्यास को जानता है, ये मेरी बहन है। ये वही बहन है? हेलो कॉमरेड, आखिर तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे? जिस दिन तुम अपनी शरीर की चलती फिरती प्रदर्शनी बनना छोड़कर फिर किसी की बेटी, किसी की बहन बन जाओगी। ओ राम मोहन, तुम कब बड़े होगे? ये लड़की कौन है? मेरा नाम स्वाति है। अच्छा नाम है, अच्छा नक्षत्र है। अपने इस चंद्रमा को इस नक्षत्र में रोके रखना। मेरा नाच कैसा लगा? क्या आप नाच रही थी? आप नारी जाति का अपमान कर रही थी, एक गाली लग रही थी, वो भी अश्लील। यू टॉक अ लिटिल टू मच। मुझे भी अपना बदन इस तरह थिरकाने का कोई शौक नहीं। अजी, इसमें इस युग के क्रांतिकारी श्री राम मोहन त्यागी जी का बहुत बड़ा हाथ है। बुरा मत मानना, मैं सच कह रही हूं। पूछो इनसे, जब मैं घर में अकेली भूख से तड़प तड़प कर मर रही थी, तो ये हिंदुस्तान की सड़कों पर क्रांति ढूंढ रहे थे। समय के पहिए को निकलते हुए सूरज की तरफ मोड़ने में लगे हुए थे, और इन्हें यह पता ही नहीं चला कि घर का अंधेरा कब इनकी बहन चंद्रमुखी को निकल गया। यह क्रांति का दोष नहीं था चंद्रमुखी, यह मेरा दोष था। मुझे क्षमा कर दो और घर चलो। नहीं, अब इस जिंदगी की आदत सी पड़ गई है। घर में मैं समा नहीं पाऊंगी भैया, तुम जाओ और स्वाति के साथ सुखी रहने की कोशिश करो। मुझे भूल जाओ, यही तुम्हारी तपस्या और प्रायश्चित है। और हां, आइंदा मेरे प्रोग्राम में मत आना, मुझे शर्म आ जाती है। तुम दोनों ने चुपसाई का उपवास रखा है क्या? कुछ नहीं बेटी, ऐसे ही। नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पगली, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी? अच्छा आनंदी, एक पहेली बुझो। एक मंदिर है जिसमें घुप अंधेरा है, जहां भगवान रहते हैं, लेकिन ये भगवान ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, न देख सकते हैं और न चल सकते हैं। बताओ वो मंदिर कहाँ है और वो भगवान कौन है? माँ का पेट मंदिर है और पेट का बच्चा भगवान। तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है ना? तू मुझे क्यों रुलाना चाहती है स्वाति? जा अपने कमरे में जा, तेरे डैडी के आने का वक्त हो रहा है। बाप रे, डैडी तमाम बातें सुन के मुझे मार ही डालेंगे। मैं तो उनके मारे बिना ही मर जाऊंगी मम्मी। अरे तुम तो बड़ी डरपोक निकली। अच्छा अब ये बताओ कि उस कपिल देव का पता क्या है? तो तुम चिरंजी लाल गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया हो? जी नहीं। झूठ बोलता है वो? जी नहीं। क्या जी नहीं? जी मेरा नाम चिरंजी, चिरंजी लाल। हाँ, गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया नहीं है जी, मेरा नाम कामदेव प्रसाद चिरंजी लाल रोकड़िया है। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता ना होता तो हकलाता क्यों? आप आनंदी की बड़ी बहन हैं। क्या तुम आनंदी से प्रेम करते हो? जी वो पहेलियां बुझवा बुझवा के प्रेम करवा लिया जी। और उससे पिछली बार कब मिले थे? जी वो हफ्ता, हकलाहट बंद, हफ्ता भर हो गया। और तुम्हारे भतीजे प्यार को ये ख्याल तक नहीं आया कि उसके घर जाकर मालूम तो करें
कि कहीं वो बीमार बीमार तो नहीं पड़ गई? बीमार तो वो पड़ती नहीं। शट अप, क्यों नहीं गए? बाप रे बाप, मुझे डॉक्टरों से बहुत डर लगता है, बात बात में सुई घोंप देते। प्रेमी होकर एक सुई से डरते हो? चलो अपने पिताजी का पता बताओ। वो क्यों दीदी? उन्हें ये शुभ समाचार देना है कि वो दादा बनने वाले हैं। हाँ? और उनके सुपुत्र सर्वश्री कामदेव प्रसाद चिरंजी लाल रोकड़िया बाप बनने वाले हैं। बाप रे बाप। जी मैं कामदेव का पिता हूं। जी हाँ, मुझे आपका खत मिला था। बैठिए बैठिए। शारदा जी आई। तू वहां नहीं जा सकती है। क्यों? वो लोग तुझे देख लेंगे तो हजार सवाल करेंगे, तू कौन है, किसकी बेटी है, आनंदी को ब्याहने की इतनी जल्दी क्यों जब बड़ी बेटी घर में बैठी है, और फिर जितने मुंह उतनी बातें। तू तो समझदार है ना बेटी? ये मेरी मिसेज शारदा जी हैं, ये कामदेव के पिताजी चिरंजी लाल हैं, और ये इनकी मिसेज। बैठिए। भाभी जी आनंदी बिटिया की सगी माँ तो नहीं है ना? भाभी जी से अभी कोई संतान नहीं हुई ना? जी नहीं, आनंदी हमारी अकेली बेटी है, और सारी संपत्ति इसी की है। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिए डॉक्टर साहब, घर पहुंचते ही शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं और आपको लिखता हूं। जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अब आज्ञा दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। शारदा शारदा, तुमने ये क्यों कहा कि आनंदी हमारी इकलौती संतान है? उन्होंने ये पूछा था कि हम दोनों की तो कोई संतान नहीं। मैंने तो ठीक ही जवाब दिया। स्वाति भी नहीं आई। मैंने ही मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा परिचय देकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। स्वाति तुम्हारा प्रेम है, पाप नहीं शारदा। कब तक उसे छिपाती रहोगी? और फिर वो शादी में तो सामने आएगी ही, तब भी लोग यही बात पूछ सकते हैं। अंकल, आनंदी की शादी तक मैं कहीं और रहना चाहती हूँ। पागल हो गई हो? नहीं अंकल, यही सही रहेगा। अगर बेटी, मैं मम्मी की जिंदगी में समस्याएं पैदा नहीं करना चाहती। नहीं बेटी नहीं, इस घर का जीवन हम सबका है, दुख सुख समस्याएं हम चारों की हैं। इस घर पर जितना अधिकार आनंदी का है उतना ही तुम्हारा भी है बेटी। I'm sorry अंकल, मैं फैसला कर चुकी हूं। तुम मुझसे रूट कर जा रही हो। रूठूंगी क्यों? तो फिर जा क्यों रही हो? तुमको जमाने के बेदर्द सवालों से बचाना चाहती हूं मां, इसीलिए जा रही हूं। अपनी मां की मजबूरियां समझ बेटी। मैं तो जिए चली जा रही थी। तूने ही जिद की कि मां सुहागन बनो, और मैं बन गई। 18 साल में मेरे जीवन में और कोई आया ही नहीं। फिर तू आनंदी के डैडी को ले आई, उनके साथ आनंदी आई, इस घर की परंपराएं आई, इस परिवार की मर्यादा आई। मैं नहीं चाहती थी कि आनंदी का जीवन एक नरक बन जाए, बिन ब्याही मां होने की
जिल्लत की करवाहट मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटी, इसलिए मैं कामदेव के पिता को ये रिश्ता तोड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी बेटी, और इसलिए मैं तेरे बारे में इतना बड़ा झूठ बोल गई। मैं जानती हूँ, ये सब जानते हुए भी तू चली जाएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी, तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूं। लेकिन जिस तरह एक माँ अपनी बेटी का ब्याह करके विदा कर देती है तो उसके पारिवारिक जीवन में दखल नहीं देती, उसी तरह एक बेटी को अपने माँ के पारिवारिक जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूं मां, रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा करो मां। लेकिन बिल्कुल अकेले तू कैसे रहेगी? जिंदगी एक पाठशाला है मां, यहां हर रोज एक नया सबक मिलता है और कभी कभी तो इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ता है। मैंने तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ सीखा है मां, मैं अकेली रह लूंगी, जी लूंगी। स्वाती, मैंने वो घर छोड़ दिया है राम। पता है, मगर क्यों? तुमने डाल से छूटकर गिर पड़ने वाले फूल से कभी पूछा, ये फूल और पेड़ का साथ ही कितना? जरा तेज हवा चली, डाली हिली और किस्सा खत्म। मगर स्वाती, प्लीज राम, थोड़ी देर मुझसे बात न करो। ये भी ना पूछो कि क्यों रो रही हो। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है राम। पता है, बेटा अच्छा या बुरा होता है, बेटी अच्छी या बुरी होती है, मगर माँ सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी होती है स्वाति। मगर ये ना भूलो, उन्हें एक घर और घरेलू जिंदगी का तोहफा तुम्हीं ने तो दिया है। ये जिंदगी अपने साथ अपनी मजबूरियां और अपनी जिम्मेदारियां ले आती है स्वाति, समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ राम, समझती हूँ, सोचती हूँ जिस तरह माएं अपनी बेटियों को विदा करती हैं, उसी तरह मैंने अपनी माँ को विदा किया, और उन्हें विदा करके आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तू मेरे साथ
साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। क्या हुआ साथ दुनिया के मेले नहीं, हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। क्या हुआ साथ दुनिया के मेले नहीं, हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं। गई है तू बाबुल का घर छोड़ के, आ गया मैं जमाने का डर छोड़ के। आ गई है तू बाबुल का घर छोड़ के, आ गया मैं जमाने का डर छोड़ के। सारी बातों की बस, सारी बातों की बस ये एक बात है, जमाना बड़ा खूबसूरत सही, खूबसूरत सही। इस जमाने की सबको जरूरत सही, हाँ जरूरत सही। जिंदगी प्यास है, प्यार बरसात है, हाँ बरसात है। किसी दर पे बैठे सवाल ही नहीं, हाँ सवाल ही नहीं। पेट खाली सही, हाथ खाली नहीं, हाथ खाली नहीं। तेरे हाथ भी क्या है, तेरे हाथ भी क्या है, तेरा हाथ है, हाँ तेरा हाथ है। मैं तेरे साथ हूँ, आप लोग इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? ये बड़ा हरामजादा आदमी है, हर औरत को शारदा शारदा कहकर लपकता है, हम इसे मार डालेंगे। नहीं प्लीज, आप लोग इन्हें मत मारिए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। आप लोग जाइए प्लीज, चलो मत मारिए। बाबा बाबा उठिए, रिक्शा उठिए। शारदा 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 Shut up.
शारदा कौन है? कौन है ये शारदा? तुम कौन हो बेटी? किसकी फोटो है ये? ये मेरी शारदा है। अब तुम पूछोगी कि शारदा कौन है? शारदा ही तो मेरे जीवन का संपूर्ण सत्य है। मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरी जाग, मेरी नींद, सभी कुछ तो ही है। उसी को तुम्हें खोजता फिर रहा हूं और लोग और लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मारते हैं। मगर आप उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं? उसे बताने के लिए कि उसके साथ मेरी मजबूरी ने बड़ा अन्याय किया। क्या अन्याय किया? सपनों की तरह उसे मैं अपनी आंखों में समेट कर भागा, अपने घरों से दूर एक अनजानी बस्ती में पनाह ली। तो पता चला हमारा प्रेम सीमाएं पार कर चुका है, हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। मैंने शारदा से कहा कि तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं फौरन किसी पंडित को ढूंढकर शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं। ऐसी लिपटी खड़ी रहोगी तो मैं जिंदगी भर पंडित की तलाश में नहीं जा सकता। जाऊं? पंडित जी ने अगले ही दिन का मुहूर्त निकाला था। मैं बहुत खुश था, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बदनसीबी पेड़ों की ओट में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। ए भाड़ू, वो जो माल भगा के लाया जरा हमें भी तो चखा। जबान संभाल कर बात कर, समझे? अबे कमीशन ले लेना साले। अरे काहे को मरता उसके लिए, वो तेरी बहन लगती है क्या है? मुलजिम सत्य प्रकाश को कत्ल के जुर्म में यह अदालत ताजी रात हिंद जेरे दफा 302 10 साल की सजा देती है। मुझे 10 साल की सजा हो गई, लेकिन मैं अपनी शारदा के लिए परेशान हो रहा था। जेल से कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। एक अनजान बेदर्द शहर, उसमें एक मासूम बेसहारा औरत, और वो भी गर्भवती, न जाने किन हालात का सामना कर रही होगी वो। वो जिंदा भी है या उसने आत्महत्या कर ली? इन्हीं ख्यालों से मैं दीवाना हो गया, और उसी दीवानगी के आलम में मैंने जेल से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और उन्होंने मुझे पागलखाने में डाल दिया। मगर मैं तो बस अपनी शारदा का हाल जानने के लिए पागल हो रहा था, और आज भी यही आरज़ू, यही तमन्ना लिए मैं दर बदर भटकता फिर रहा हूं।
और अब अगर वो मिल भी गई तो क्या करोगे बाबा? अपने आंसू से उसके पांव की धूल धोऊंगा और उसकी खोई हुई जिंदगी के कुछ लम्हे वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरा इंतजार छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर ली है तो शायद मैं खुशी से मर जाऊंगा। और क्या चाहिए मुझे? मगर तुम तो कह रही थी उन्होंने तुम्हारी माझी को। वो मेरा ख्याल था, कुछ मां से सुना और जो कुछ उन पर बीती उससे यही नतीजा निकलता था कि पिताजी ने उन्हें धोखा दिया। मां कहती थी कि उसी शाम जब पिताजी पंडित जी से बात करने गए वो खुशी खुशी अपने आप को दुल्हन बनाने लगी कि उसी वक्त कौन है आप लोग? तुम्हारे पति के मित्र है जाने मन, और ये बताने आए हैं उसका इंतजार करना बेकार है, अब वो नहीं आएगा। क्या मतलब? उसका तो यही काम है, लड़कियों को गांव से पत्नी बनाकर ले आता है और यहाँ हमारे हाथों बेच देता है। तुम्हारे उसे 2000 दिए हैं जाने? ये झूठ है। अभी तो इस पर 1000-2000 और खर्च करने होंगे। ये फूला हुआ पेड़ देखकर ग्राहक लोग घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे। इसे गिराना होगा। चलो मरता, चलो। अरे अब क्या किया जाए राममोहन? हम दोनों ने जबरदस्ती माँ का ब्याह करवा दिया और अब अचानक पिताजी अतीत के अंधेरे से बाहर निकल आए हैं। पिताजी की सजा तो समझो और बढ़ गई ना। अब मैं उनसे कैसे कहूं कि पिताजी आपने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन माँ को यह बात बताना जरूरी है ना? मेरी तो यह राय नहीं है स्वाति, माँ के लिए हमें नर्क क्यों बनाए? अब वो किसी और की ब्याहता है। कम से कम माँ को यह तस्कीन तो हो जाएगी कि पिताजी लौट आए। उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है। ये कंजीवरम साड़ी है, आनंदी के डैडी ले आए थे। अरे ऐसा नहीं। अच्छा मम्मी ये बताइए, कपड़े के नीचे कपड़ा, जब सारा कपड़ा उतरा तो बताइए क्या निकला? सच पूछो तो ठेंगा निकला। क्या अनशन पहेलियां बुझाती है? कपड़े के अंदर से वही निकलेगा जिसने कपड़ा पहना होगा। यही तो पहेली है जनाब। मुझे नहीं पता। प्याज माय डियर मम्मी, प्याज। हाय स्वाति। हाय स्वाति। मम्मी एक मिनट मेरे साथ आना। मैं अभी आई। मम्मी डैडी वापस आ गए हैं। कौन? सत्य प्रकाश, मेरे पिताजी। क्या क्या तू पागल हो गई है? आज जब मैं इस घर में एक नई जिंदगी पाकर इतनी खुश हूं, तू मुझे रुलाना चाहती है? नहीं माँ, नहीं। मैं तो पिताजी के चेहरे पर भी खुशी देखना चाहती हूँ। माँ माँ वो तुम्हारी खोज में 18 बरस से पागलों की तरह भटकते फिर रहे हैं। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। ये उनकी चाल है, जरूर किसी बुरी नीयत से आए हैं वो। उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम माँ। वो तो ये भी नहीं जानते कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो ये सच है? हाँ माँ।
अगर तुम एक बार अपनी आंखों से उनकी हालत देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल सच्चे हैं। हमी ने उन्हें बिल्कुल गलत समझा। वो तुम्हारी वजह से जेल गए और वहां से छूटे तो तुम्हारे गम में ही पागल हो गए। तब से वो गलियों की खाक जानते फिर रहे हैं। बस दिल में एक ही इच्छा लिए हुए कि बस एक बार उन्हें अपनी शारदा मिल जाए तो वो अपने आंसुओं से उसके पांव धोकर अपनी उस अन्याय की माफी मांगे जो उसके साथ उनकी मजबूरी ने की थी। अब मैं क्या करूं, जिनका इंतजार मैंने बरसों तक किया अब वो आ गए, मैं क्या करूं? तुम उनसे मिलकर बस इतना कह दो कि तुम बहुत खुश हो, उनकी तमन्ना पूरी हो जाएगी, वो हंसी खुशी चले जाएंगे। मैं किस हैसियत से उनसे मिलूं स्वाति? मिसेस राजेंद्र प्रसाद होने के नाते से, ये तुम्हारी मां होने के नाते, जो भी मैं करूं इस पवित्र धागे का अपमान हो जाएगा और ये मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती। वो बहुत बीमार है माँ, वो तुम्हें एक नजर देखने के लिए तड़प रहे हैं। अगर तुम उन्हें ना मिली वो मर जाएंगे। अच्छा भाभी, ऐसा लगता है ये आनंदी अपने पति को पहेलियां खिला खिला कर उसका पेट खराब कर देगी। हाँ देखिए, अंकल की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। क्या हुआ इन्हें? अब सब ठीक है स्वाति, डोंट वरी, आई टेक केयर। अंकल इन्हें क्या हुआ है? अच्छी खबर नहीं है स्वाति, लुकीमिया है, थर्ड स्टेज, बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये है कौन? ये राममोहन के रिश्ते में दूर के अंकल हैं। इनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। क्यों नहीं, तुम जो हो। साथी तुमने ही तो कहा था कि दुनिया का कोई भी रिश्ता इंसानियत के रिश्ते से बड़ा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस आदमी की आत्मा पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, ये किसी चीज के लिए तड़प रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि उसकी क्या तमन्ना है और अगर हम उसे पूरा कर सकें तो यह आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन शांति से गुजार सकेगा। अच्छा, स्वाति भी राममोहन के साथ आई थी? राममोहन से ज्यादा परेशान तो स्वाति थी, पल भर के लिए भी नहीं हटी वहां से। मैंने सिखा भी कि बेटे देखभाल के लिए नर्सेज हैं, लेकिन उसने जैसे मेरी बात सुनी नहीं। गुड मॉर्निंग माँ। तुम स्वाति, चार दिन में क्या हालत बना ली है, कितनी थकी थकी सी लग रही है। ठीक तो हूँ माँ, मगर तुम यहाँ क्यों आई? सुना है राममोहन के अंकल की तबीयत बहुत खराब है, मैं देखती हूँ। नहीं माँ, तुम नहीं जानती। मैं क्या नहीं जानती? क्या मैं यह अस्पताल नहीं जानती, यहाँ के स्टाफ को नहीं जानती? कल तक मैं यहाँ नर्स थी, मैं देख कर आती हूँ माँ। अरे कहाँ चले गए, कमरे में तो नहीं है? हाँ शायद बाहर वॉक करने चले गए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आकर मिल लूंगी। स्वाति, आनंदी का बया सर पर आ गया है,
और तुम यहाँ सेवा में लगी हो। सेवा अच्छी चीज है बेटी, लेकिन आनंदी के ब्याह की तैयारियों में तुम्हें हाथ भी बटाना चाहिए ना। माँ, मैं शादी के दिन जरूर आऊंगी, पर अभी जब वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मगर जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, पूरी नहीं होती। ऐसे जीने से क्या फायदा, क्या फायदा? आपकी क्या ख्वाहिश है बाबा? हाँ, बहुत सी ख्वाहिश है। बताइए, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। पहली ख्वाहिश शारदा के दर्शन, दूसरी ख्वाहिश शारदा के दर्शन, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5000वीं ख्वाहिश शारदा के दर्शन। गिनती खत्म हो जाएगी, मगर अगर ये ख्वाहिश बची रहेगी, शारदा के दर्शन। अंकल, अंकल, किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए अंकल। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं बेटी, लेकिन राममोहन के अंकल के लिए तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, रो क्यों रही हो? उनके लिए मेरे सिवा कोई रोने वाला है जो नहीं। क्या? जो लोग उनके पास थे वो दूर जा चुके हैं। तो क्या राममोहन अपने अंकल नहीं, को? मैं राममोहन की बात नहीं कर रही, उनकी जिंदगी उनसे दूर होकर कहीं और जा चुकी। कहां? आपके घर। मेरे घर? जी अंकल, मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ। आपके वो मरीज मेरे पिता है अंकल, मेरे पिता है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया स्वाति? मैं अभी जाके मम्मी को बुलाता हूँ। नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। मेरी माँ को आपने एक नई जिंदगी दी, घर दिया, इज्जत दी। अब अगर माँ को पता चल गया कि मेरे पिताजी एक नेक और शरीफ इंसान है और उन्होंने माँ के लिए अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, तो वो ये सहन नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। अंकल, हमारे संस्कार में सैकड़ों देवताओं की पूजा की जाती है, मगर एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका भगवान होता है। अगर माँ को मालूम हो गया कि उसका एक दूसरा भगवान भी है, तो वो कैसे जिएगी?
अभी अभी तो माँ के आंसू खुश्क हुए हैं। ये कड़वी सच्चाई बताकर उन्हें जीते जी मत मारिए अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। अभी को मत बताइए, प्लीज मत बताइए, प्लीज। स्वाति, मैं एक डॉक्टर हूँ और इस वक्त तुम्हारी मामी से ज्यादा मुझे अपने मरीज का ख्याल है, और एक मरते हुए मरीज के अजीजों को उसकी हालत बताना मेरा फर्ज बनता है। अंकल, क्या आप एक बार ये नहीं भूल सकते कि आप डॉक्टर हैं, आप एक पति भी हैं, और अपनी पत्नी की रक्षा करने की आपने शपथ ले रखी है। मेरे डैडी तो यूं भी मरने वाले हैं अंकल, एक जिंदगी मौत से ज्यादा अहमियत रखती है, तो क्या मम्मी की जिंदगी का आपके लिए कोई मतलब नहीं? क्या एक डॉक्टर के नाते मम्मी की जान बचाना आपका फर्ज नहीं? प्लीज अंकल, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मम्मी को मत बताइए, प्लीज अंकल मत बताइए। अच्छा अच्छा, रो मत स्वाति, जाओ अपने डैडी के पास जाओ, और जिस तरह मां बनकर तुमने अपनी मम्मी को एक नई जिंदगी दी, उसी तरह अब मां बनकर अपने डैडी की सेवा करो। स्वाति, मैंने तुम्हें अपनी सारी ख्वाहिशें गिनवा दी हैं, एक रह गई है, सिर्फ एक। वो क्या है बाबा? मैं मरने से पहले तुम्हारी मां के दर्शन करना चाहता हूं बेटी, क्योंकि उसकी बेटी मुझ जैसे की सेवा ऐसे कर रही है जैसे मैं उसका कोई लगता हूं। मेरी इतनी सी आरज़ू पूरी करोगी? मेरी मां तुम डरती हो कि वो मुझे पहचान लेगी? पापा, मुझे डैडी कह बेटी, मुझे डैडी कह। तुम ये समझती हो कि ये जानने के बाद तुम्हारी मां ने डॉक्टर साहब से शादी कर ली है, मैं उसके सौभाग्य से चल जाऊंगा? नहीं बेटी नहीं, तब तो अपने डैडी को समझी नहीं। मैंने 18 वर्ष चलने के लिए तपस्या नहीं की है बेटी। तेरा ये कर्ज मैं इस जन्म में तो नहीं उतार सकूंगा, इसलिए भगवान से मेरी ये प्रार्थना है बेटी कि अगले जन्म में मैं तेरा बेटा बनकर जन्म लूं, ताकि तेरी इस सेवा का बोझ मैं कुछ हल्का कर सकूं बेटी, जो तूने मेरे इस बुढ़ापे पे लादा है। मैंने तुझमें तेरी मां को देख लिया है बेटी, बस। डैडी, डैडी, डैडी। सत्य प्रकाश, मैं आपको आपकी शारदा से जरूर मिलवाऊंगा। Thank you.
यहाँ आराम से बैठिए। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटी? वो नीचे ब्याह के काम में फंसी हुई है। मैं नीचे जाती हूँ, नहीं तो माँ मुझे ढूंढती हुई यहाँ आ जाएंगी। अच्छा राममोहन, डैडी का ख्याल रखना। तुम चिंता न करो स्वाति। सुनती है तू? ऐसे खुशी के मौके पर कैसी साड़ी पहन रखी है? ठीक तो है माँ, जरा इधर आओ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आ। जा। कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। माँ को देख लिया ना डैडी? अब
अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम दोनों किसी और शहर में जाके रहेंगे। आपने बहुत मुसीबतें झेली हैं दादी। हालात ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करके चुकाना चाहती हूँ। चलिए डैडी। डैडी अंकल। डैडी स्वाति। अंकल स्वाति तुम्हें डैडी चल बसे। मैं तुम्हें रोने को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मम्मी को रोने की क्या वजह बताओगी? आंसू पूछो, तुम्हारी मम्मी आ रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बिया नीचे हो रहा है और सारा परिवार यहाँ जमा है। ये कौन है? ये राममोहन के अंकल हैं। शादी देखने की जिद कर रहे थे तो हम लोग यहाँ ले आए। और बेचारे का देहांत भी हो गया है। बेचारा, लोग कहते हैं मरे हुए आदमी में भगवान होता है। आओ हम सब इनके चरण छूकर आनंदी के लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए आशीर्वाद लें। दर्शकों, कृपा करके स्वाति को आशीर्वाद दीजिए। औरत जो इस दुनिया की ही मां है, मां होकर भी मां है, बीवी होकर भी मां है और बच्ची होकर भी मां है, उसी छोटी सी सुंदर सी मां की कहानी है हमारी स्वाति।